हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। सीवी राइटिंग का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ बात की थी कि आपका सीवी किस पैटर्न में होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैंपल सीवीज शो करूंगा जो कि मुझे रिसीव हुए। उनमें जो मिस्टेक्स थे, उनमें जो प्रॉब्लम्स थी, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला, ये एक सीवी मेरे पास पड़ा हुआ है। इनको 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है, लेकिन देखें, जब आप इस सीवी का जो फर्स्ट पेज का फर्स्ट हाफ है वो देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे इनके कुछ भी डिटेल्स नहीं है। इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, इनका कोई ईमेल, कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं थी। पहला प्रॉब्लम तो इसमें ये था। दूसरा, इस बंदे ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैरियर ऑब्जेक्टिव। आई एम लुकिंग टू अबटेन ए पोजिशन एज ए सीनियर सर्वेयर इन योर कंपनी विद ए क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। तो किसी को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर बंदे को पता है, जब आप सीवी सेंड कर रहे हैं तो उस बंदे को पता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव, ये मॉडल बहुत पुराना हो चुका है। अभी आपको ये दो लाइनें यहाँ पे पेपर वेस्ट करने के बिल्कुल बराबर हैं, तो आपको ये चीज शो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है जो भी डिप्लोमा उनके पास है। इन्होंने कोई कोर्सेज, कोई शॉर्ट कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, शायद उन्होंने ना किए हों, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सबसे अहम चीज, वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एक्सपीरियंस में, अपना प्रोजेक्ट लिखा है, क्लाइंट लिखा है, अपना टाइटल लिखा है, ठीक है। लेकिन जब ये आए हैं ड्यूटीज पे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑल सर्विंग वर्क एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूशन सो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाइए इनके, सेम कॉपी किया है, पेस्ट कर दिया है, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑल सर्विंग वर्क एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूशन सो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाए, सेम कॉपी किया है और पेस्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, कि लोग समझते हैं कि सर्वे तो एक ही जैसा वर्क है, तो आप हर जगह, ठीक है, काम आप एक ही जैसा करते हैं, लेकिन आपने लफ्जों के साथ खेलना है, आपने उन्हें स्विच करना है कि पढ़ने वाले बंदे को एटलीस्ट उसमें इंटरेस्ट हो। अब ये देखें, ये सीवी जस्ट लाइक, यहां पे देखें, इस एक्सपीरियंस में ये इन्होंने अपनी ड्यूटीज लिखी हुई है, जस्ट लाइक ए पैराग्राफ। अगर मुझे यहां पर ढूंढना है कि क्या इस बंदे ने कोई ट्रेवर्स वगैरह की है, क्या इस बंदे ने कोई रोड वगैरह पे काम किया, तो मुझे ये पूरे का पूरा पढ़ना पड़ेगा वो चीज फाइंड करने के लिए। यानी इनके पहले चार प्रोजेक्ट देखने के बाद भी मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा कि इनमें क्या स्किल्स हैं, इस बंदे की जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो क्या हैं। देखें, ये एक लंबा 5 पेजेस का सीवी है, तो मुझे ये जानने के लिए कि इस बंदे में क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या एबिलिटीज हैं, क्या स्किल्स हैं, पूरे का पूरा सीवी पढ़ना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं करेगा। तो कभी भी पैराग्राफ्स में सीवी को मत लिखें। दूसरा सीवी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक ग्राफिकल टेम्पलेट है। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स वगैरह से रिलेटेड लोग होते हैं वो इस टेम्पलेट को यूज करते हैं। इन्होंने ये टेम्पलेट यूज किया है, तो इन्होंने, मैं ये देखें, पेज का ऑलमोस्ट जो 4th क्वार्टर है उस पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, बीइंग ए प्रोफेशनल लैंड सर्वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग ए सक्सेसफुल कैरियर विद ए प्रोग्रेसिव सो। तो आधा पेज तो आपने जाया कर दिया। उस बंदे के जो पहले 10 सेकंड है वो तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव में, आपके ऑब्जेक्टिव से उसे कुछ लेना देना नहीं है। आपसे पहले 5 से 10 सेकंड में आपने उसे बताना है कि आप हो क्या चीज, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपने अपने पास्ट में क्या किया हुआ है। तो यहां पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। फिर ये देखें, यहां पे इन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल दी गए, UAE, गुजरात, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसको इससे कोई गरज नहीं है। आप गुजरात के हो, आप लाहौर के हो, गुजरांवाला के हो, दिल्ली के हो, बंबई के हो, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्वार्टर में आपने ये चीजें नहीं शो करनी, आपने उस बंदे को बताना है कि आपके पास क्या है। अब देखें, नेक्स्ट में आ जाइए, यहां पे इन्होंने लिखा है प्रोफेशनल स्किल्स एक्सीलेंट, ठीक है। उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है आई एम इक्विप्ड कॉम्पिटेंट इन ऑल टाइप ऑफ सर्वेइंग इंक्लूडिंग सेटिंग आउट, कंटूरिंग, क्रॉस सेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, टोपोग्राफिक एंड लेवलिंग, ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फेमिलियर विद ऑल टाइप ऑफ टोटल स्टेशन लेवल्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड GPS। तो देखिए, यहां से लेके यहां पे इन्होंने लिखा है कि
इंस्ट्रूमेंट फेमिलियर विद, इन्होंने बार बार इंस्ट्रूमेंट को रिपीट किया है, यहां पे इन्होंने मिस्टेक की है। आपको ये चीजें यहां पे पैराग्राफिकली लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज किए हैं 1, 2, 3 आपको मेंशन करना है। आपकी जो स्किल्स हैं उनको भी आप 1, 2, 3, 4, 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मेरे पास सीवी का एक टेम्पलेट है जो मैंने खुद अपने सीवी के लिए भी यूज किया है और भी काफी लोगों का मैंने वो देखा है, वो टेम्पलेट मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि उसमें स्किल जो है वो किस तरह मेंशन किए गए। इससे नेक्स्ट इनके सीवी में देखें, इन्होंने लिखा सीनियर लैंड सर्वेयर, अपना टाइटल लिखा है, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 8 ईयर्स, वर्क एक्सपीरियंस इन यूएई 8 ईयर्स। ये ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपने 8 ईयर्स बता दिया, दैट्स ऑल। ये जो ब्रेकडाउन है आपने नीचे शो करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इसमें जो उन्होंने किया हुआ है, ये देखें सर्वे वर्क प्रोफिशिएंसी, ऑल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स लाइक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल एटसेट्रा। अब मुझे नहीं लगता कि इन चीजों का सर्वे से कोई ताल्लुक है, या ये सर्वे की प्रोफिशिएंसीज में आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड व्हाट यू मीन टू से दैट इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड आर्किटेक्चरल। नेक्स्ट आता है जी क्रिएटिंग रोड सर्वे ड्राइंग्स लाइक टोपोग्राफिकल प्लान, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सेटिंग आउट ड्राइंग्स, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल्स, स्वीट वाटर पाइपलाइन, टोपोग्राफी, करेक्शन ड्राइंग। करेक्शन ड्राइंग मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये वर्ड के मैंने करेक्शन ड्राइंग्स पढ़ा है। अलाइनमेंट ज्योमेट्री, ग्रेडिंग प्लान एंड एज बिल्ट ड्राइंग। इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पे आपने उस बंदे को बताया कि आपको सर्वे का क्या आता है। ये सारी चीजें ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, इनका सर्वे से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप ये मेंशन भी करना चाहते हैं तो फिर आपका ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें ये नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने बताना है आपने सर्वे में क्या किया। अब अगर मैं ये सीवी पढ़ रहा हूं और मुझे देखना है कि इस बंदे ने क्या किसी ब्रिज में काम किया हुआ है, क्या इस बंदे ने किसी हाई राइज बिल्डिंग में काम किया है, क्या इस बंदे ने कोई स्टील स्ट्रक्चर का काम किया है, तो मुझे ये पूरे का पूरा जो इसके पेज का ऑलमोस्ट 70% है ये पढ़ने के बाद अभी भी पता नहीं चला कि इस बंदे ने किस फील्ड में काम किया हुआ है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है, इसको एक्सपीरियंस किस चीज में है, क्या इसने कोई ट्रैवर्सिंग सर्वे किया हुआ है, क्या इसने कोई कंट्रोल सर्वे किया हुआ है। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई भी बंदा इसको नहीं पढ़ेगा। अब देखें नेक्स्ट आके वो लिखते हैं जी की एक्सपीरियंस, ए पोजीशन एज ए लैंड सर्वेयर विद 8 ईयर्स ऑफ यूटिलाइजिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज कंप्रीहेंसिव बैकग्राउंड विद डिफरेंट कंट्रैक्टर्स इन रोड पार्किंग कट फिल ग्रेडिंग एक्सकवेशन ट्रंच एंड फाउंडेशन स्वीट वाटर नेटवर्क। ठीक है, यहां पे इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है इन्होंने क्या काम किया, लेकिन आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड दैट व्हाट द वे ही इज टॉकिंग अबाउट। ये कहते हैं जी बैकग्राउंड विद डिफरेंट कंट्रैक्टर इन रोड पार्किंग कट फिल ग्रेडिंग, क्या मतलब, क्या आपने कट फिल का काम किया है, आपने ग्रेडिंग का काम किया है, एक्सकवेशन ट्रंचेस क्या किया आपने एक्सकवेशन ट्रंचेस में। नेक्स्ट इन्होंने लिखा जी इंस्ट्रूमेंट फेमिलियर विद, सेम चीज आपने यहां पर शो की है, अब आप इस सेक्शन में भी आके वही चीजें शो कर रहे हैं, टोटल स्टेशन लेवल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके साथ ही इनका सीवी का जो फर्स्ट पेज है वो पूरा हो गया है, और अभी तक ये सीवी पढ़ के मुझे नहीं पता चला इन्होंने किस फील्ड में काम किया हुआ है। ठीक है, ये सर्वेयर हैं, इन्होंने रोड में काम किया है या पाइपलाइंस पे किया हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग में किया हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर का किया हुआ है, क्लैडिंग एल्यूमिनियम फसाद, किस फील्ड में ये कंपिटेंट है, कि अगर मैंने इस बंदे को हायर करना है तो मैं इसे कहां पे एडजस्ट कर सकता हूं। और यही वो चीज है जो इस सीवी के रिजेक्शन का रीजन बनेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए यहां पे आ गया है कि ऑटोकैड फेमिलियर विद, यानी सेकंड पेज के आने के बावजूद भी अभी तक इन्होंने अपना सर्वे का कोई भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, अपनी कोई भी सर्वे की जो इनकी कोर स्किल्स हैं, की स्किल्स हैं, अभी तक इन्होंने नहीं बताई। नेक्स्ट चलते हैं, और आपको बता दूं ये 8 पेज का सीवी है, 8 पेज पे ये सीवी बना हुआ है, और ये देखें कि यहां पे ये चीजें बहुत बोल्ड इन्होंने टेक्स्ट जो है वो यूज किया, सिंपल यूज नहीं की। और देखें यहां पे ये पूरे का पूरा पेज खाली है साइड पे, यानी पेज का 40% तो आपने लेफ्ट साइड पे छोड़ दिया, यहां पे आपने टेक्स्ट को विदाउट एनी रीजन टेक्स्ट का साइज बढ़ाया है और अपनी सीवी के पेजेस क्रिएट किए। ये देखें प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर सरफेस,
यानी एक लाइन में सिर्फ एक लफ्ज लिखा, एक वर्ड लिखा हुआ है, इस प्रोजेक्ट को आप एक लाइन में सम कर सकते हैं। लेकिन तमाम के तमाम इनके पेजेस जो हैं सेम इसी तरह है। देखें लास्ट पे आके इन्होंने लिखा है ड्यूटी इन्वॉल्व्ड सर्वे ऑफ डिफरेंट रोड सेटिंग आउट वेरियस सर्विस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट प्रोफाइल एंड प्रोपोज ड्राइंग डिजाइन एंड होल रूट। ये वो चीजें हैं जो आपने सबसे पहले शो करनी है, जो पेज के टॉप पे के बंदा आपका सीवी देखे, हाँ इसने रोड पे काम किया है, इसने बिल्डिंग में काम किया है। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने ऑलमोस्ट तमाम के 90% सीवीज में मैंने ये फाइंड की हैं। दूसरा सीवी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे भी देखते जाएं, इनके सीवी का जो फर्स्ट पेज है वो यहां पे आके मुकम्मल हो जाता है और इनके दो प्रोजेक्ट मेंशनड है यहां पे। इन दोनों प्रोजेक्ट में उनकी ड्यूटीज देखने के बाद मुझे अभी तक नहीं पता चला कि इन्होंने क्या किया है। डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑल सर्विंग वर्क एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूशन ऑफ द डिफरेंट फेसेस ऑफ स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। भाई इसमें इनका क्या रोल था मुझे अभी तक नहीं पता चला। सेम उन्होंने कॉपी किया, यहां पे भी पेस्ट कर दिया। यानी आपका सीवी का जो फर्स्ट पेज है उसमें आपने पढ़ने वाले बंदे को अभी तक कुछ नहीं बताया कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी एबिलिटीज क्या हैं, आप उस बंदे के लिए क्या कर सकते हो। तो ये थे वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने फाइंड किए, आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो टेम्पलेट मेरे पास पड़ा हुआ है वो टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें मैंने अपने सीवी में या जो मैंने कुछ जो एक्सपीरियंस सीनियर लोग्स की कुछ सीवीज मुझे मिली थी उन्होंने चीजों को किस तरह इलेबोरेट किया हुआ है, किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप में से किसी को वो टेम्पलेट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं उनके पास वो टेम्पलेट है, वो मैं लेके आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।